आज अगर मैं सत्यमलाल जी की मीटिंग के लिए लेट हो गई ना तो मिस्टर कपूर मुझे 50,000 बातें सुना देंगे, दिल्ली आना भी वेस्ट हो जाएगा। फोन गॉड आई एम रियली लेट। फाइनल फिगर्स एक बार चेक कर लेती हूँ। क्या बताया था? हाँ ये ठीक है। आप यहाँ? हाँ God, what is she doing here? कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने बड़े होटल में? वो मैं किसी ऑफिशियल काम से आई थी। कौन सा ऑफिशियल काम? तू क्या करेगी जानकर? था कोई काम? पापा भी यहाँ ऑफिशियल काम से आया है और ये भी। कहीं ये पापा से मिल तो नहीं चुकी ना? नहीं नहीं, आप यहाँ अकेले आए हैं? कोई ऑफिस का एम्प्लॉय नहीं आया आपके साथ? या फिर आपकी वो फेवरेट सुहानी? नहीं कोई 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 भी नहीं आया साथ में, मैं अकेली आई हूँ। मेरी छोड़, तू बता हाउ्स योर मैरिड लाइफ? सैमी नहीं आया तेरे साथ? आई नो, आप तो यही विश करती होंगी ना, बट सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, सैमी मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। एंड आई नो आपको सुनकर अच्छा तो नहीं लगेगा, पर फिर भी बता देती, हम लोग इतने रोमांटिक कपल हैं कि ऑलमोस्ट हर मंथ हम लोग हॉलीडे प्लान करते हैं। अभी भी हम लोग कश्मीर जा रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे आज मैं आपसे मिल गई वैसे ही अनफॉर्चुनेटली कश्मीर का वेदर खराब हो गया। एनी कश्मीर तो हम कभी भी चले जाएंगे, बट आई रियली फील सॉरी फॉर यू। आपके सारे प्रिडिक्शंस जो आपने इतने कॉन्फिडेंस के साथ किए थे गलत चले गए ना मेरी मैरिड लाइफ के बारे में। ये जो तू इतनी सारी बातें मुझे बता रही है, तेरे एक्सप्रेशंस उसका साथ बिल्कुल नहीं दे रहे। मतलब ये कि झूठ बोल रही है तू। 9 महीने तुझे अपने पेट में रखा है पिया। जब तू छोटी सी थी और बोल भी नहीं पाती थी ना, तब भी तेरी छोटी सी छोटी हरकत से मैं ये जान लेती थी कि तुझे क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, क्या चाहिए। और तू इतना बड़ा झूठ बोल रही है मुझसे। तेरे चेहरे की उलझन पढ़ के कोई भी बता सकता है पीहू कि सैमी के होते हुए भी कितना अकेलापन है तेरी लाइफ में। God, I just can't believe it. बिल्कुल नहीं बदली ना, वही बोरिंग लेक्चर्स, वही सब बातें। But you know what? आपकी इन बोरिंग लेक्चर्स और प्रेडिक्शंस में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट है। आप अपने ये सारे प्रेडिक्शंस उस सुहानी या फिर उसके होने वाले बच्चे के केस में क्यों नहीं यूज करती? चारी को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि मुझे हेल्प नहीं चाहिए। मैं सैमी के साथ बहुत खुश हूँ, बट आई नो आप बिल्कुल खुश नहीं, क्योंकि एक माँ होकर भी आप अपनी बेटी से हार। एंड यू नो व्हाट, ये हार आपके चेहरे पे ना साफ दिखाई देती। सैड ना, 9 to 5 का जॉब, इतना वर्कलोड, कपूर मैंशन की लाइफ को बहुत मिस करती होंगी ना। हाँ हाँ बहुत मिस करती हूँ वो लाइफ जब मुझे मॉम कहने के लिए तुझे इतना सोचना नहीं पड़ता था। बहुत मिस करती हूँ मैं वो लाइफ जब तू मेरी गोद में सर रख के अपने स्कूल की फ्रेंड्स की शिकायतें मुझसे करती थी। मॉम आज मेरे लंच बॉक्स में से किसी ने पराठे चुरा के खा लिए। मॉम मेरी पेंसिल चोरी हो गई। मॉम मुझे नई फ्रॉक चाहिए।
ये सब मिस करती हूँ मैं पीहू, और सच कहा तो मैं नहीं बदली, बट यू नो वॉट, दिन रात मैं अपनी प्रेयर्स में सिर्फ यही विश करती हूँ कि तू बदल जाए, कि तुझे सच समझ में आ जाए, असलियत दिखाई देने लगे। पता है क्यों पीहू? क्योंकि अगर तूने सच को एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो एक दिन वो भी आएगा जब तेरा सच में मेरी गोद में सर रख के मुझसे बातें करने का मन होगा, लेकिन मैं नहीं होंगी तेरे पास। प्लीज स्टॉप इट, मुझे जरूरत भी नहीं आपकी। मेरी जूही माँ है मेरे साथ, और मेरा सैमी भी, जिसके साथ मैं बहुत खुश हूँ। डोंट डू दिस टू योरसेल्फ पीहू, तुझे मुझसे झूठ बोलना है, दुनिया से झूठ बोलना है, अपने पापा से झूठ बोलना है, बोल, लेकिन अपने आप से झूठ मत बोल प्लीज। मैं तेरी माँ हूँ, इसीलिए तुझे समझा रही हूँ। थैंक यू सो मच, पर मुझे आपके सजेशंस की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ, और इस बात को कोई बदल नहीं सकता है। और आप इतनी कोशिश मुझे चेंज करने के लिए कर रही है ना, आप खुद को क्यों नहीं बदलती? आपके इसी बिहेवियर की वजह से पापा ने आपको घर से बाहर निकाल दिया था। यू नो वॉट, यू डिजर्व दैट। बिहेवियर की वजह से पापा ने आपको घर से बाहर निकाल दिया था। यू नो वॉट, यू डिजर्व दैट। ओह नो, पापा तो उसी तरफ जा रहे हैं। अगर वो मॉम से मिल गए तो मुझे नहीं रोकना। पापा आप रुकिए रुकिए रुकिए, मुझे कुछ काम है। लेकिन बात क्या है? कुछ भी नहीं, बस मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ पे। आप प्लीज चलिए ना, हम दूसरी तरफ चलते हैं। अरे मुझे काम है, I have a meeting. मुझे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, प्लीज चलिए ना। हाँ बोलो। सॉरी, वो मुझे रेडी होने में थोड़ी सी देर हो गई, पर आई एम रेडी नाउ, तो मैं मीटिंग में मिलती हूँ आपसे। हाँ ठीक है, मैं 5 मिनट में। ओके। पीयू देख, तू जा, मैं मीटिंग खत्म करके तुझे फोन करता हूँ। मैं प्रिया को नहीं बता सकता कि पीहू यहाँ है। आई हैव टू मेक श्योर कि वो दोनों आमने सामने नहीं है। किधरो बेटा, कैसे हो? काम कैसा चल रहा है? सब चंगा। रजत नहीं दिख रहा, अभी सो रहा है या आज भी सूरज उगने से पहले उसकी गुड मॉर्निंग होगी और वो चौक पे निकल गया? बिल्कुल, वो कैसे छोड़ेगा? मौसम कितना भी बिगड़ा हो, बारिश हो पानी हो, उसका काम करने का तरीका नहीं बदलता। भागने दौड़ने में कोई कमी नहीं है। मैं तो कई बार नाराज हो जाती हूँ, कितना कहती हूँ बेटा अपनी सेहत का ख्याल कर, पर सुनता ही नहीं। जो एक बार करेगा ना, बस वो हमेशा करता ही रहेगा। अच्छा है ना दाईजा, इसीलिए तो इस उम्र में भी इतना फिट लगता है। इस उम्र में मतलब क्या कहना चाह रहे हो? तुमसे कम से कम 10 साल छोटा है मेरा रजत। चल ठीक है, 10 साल ही छोटा से। अच्छा दाईजा मैं चलता हूँ, जरा कुछ काम है। ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग दाईजा। कैसे हो बेटा? गुड दाईजा। मैं जा रहा हूँ क्या दाईजा? सोचा था कि मैं प्रिया और पीयू से मिल कर आऊं। काम कर, अगर प्रिया और पीयू से मिलने जा रहे तो मैं जा, क्योंकि पीयू और शामी तो हनीमून के लिए गए हैं। हां प्रिया तो दिल्ली में, तो आप उससे। तुम्हें कैसे पता प्रिया दिल्ली में? डैड वो उस दिन मैं खुश से मिली थी ना, सो उसने मुझे बताया कि प्रिया इज नॉट इन टाउन, सो दैट इज हाउ आई गैदर। आई नो, वो थाने वाला वास्तु का क्लाइंट, राइट? पंडित पूजन। अरे तुम इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? सब साथ ही में तो है, अच्छा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम लोग क्या गोलमाल बातें कर रहे हो। दाईजा कुछ नहीं दाईजा,
बच्चे बस बड़े हो गए हैं, गुड टू नो दैट। फिर फैमिली चाहे जितनी दूरी क्यों ना, हमेशा बच में तो रहना ही चाहिए, है ना? वेरी गुड। तो फिर प्रिया भी नहीं है, पीहू भी नहीं, आ बैठ, चाय पीते हैं। अब कोई करना पड़ेगा, चलो। हाँ, चाय पिला रही जा। तो इसका मतलब ये है कि राम, पीहू, सैमी और प्रिया सब दिल्ली में, और उसमें से राम, पीहू और सैमी एक ही होटल में रह रहे हैं। प्रिया कहाँ रह रही है हमें पता नहीं, राइट? और ये सब तुझे कैसे पता? अरे यार, कल पीहू का फोन आया था ना मुझे, तो उसने बताया कि वो राम से मिली थी और वो दोनों एक ही होटल में रह रहे हैं। तो दैट्स हाउ आई नो इट। वेट अ मिनट, ऐसा तो नहीं कि प्रिया भी? क्या कह रहा है यार, ऐसे थोड़ी हो सकता। So, Dad, Dad, if you don't mind, मैं प्रिया को फोन करके पूछ लूँ या खुद से किसी से बात करके छोटा फिगर आउट? That's a good idea. करो. Why not? Okay. नहीं यार डॉक, मैंने कह दिया ना कल हम लोग बाहर जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, कल तुम डॉक्टर नहीं बनोगी, बात फाइनल। फोन आया। दीखा फोन। हाँ दी, बोलिए। खुश, एक बात बता, प्रिया दिल्ली में किस होटल में रुकी है? क्यों, अब क्या हुआ दी? कुछ नहीं, वो मेरे ऑफिस से ना मेरी एसोसिएट जा रही है दिल्ली एंड आई हैव अ फेवरेट कुकीज, तो मैंने सोचा मैं भिजवा देती हूँ फॉर सम टाइम। अरे दी, भिजवाने की क्या जरूरत है? अगर कुछ खाने को है तो हमारे पास भेज दो ना, जब वो आएंगी मैं दे दूंगा पक्का। कर, सब कुछ तेरे लिए नहीं है, दिस इज फॉर प्रिया, मुझे वहीं भिजवाना है। तो जिस टाइम यू कहां पे रुकी दी? ये तो मालूम नहीं कौन से होटल में रुकी है क्योंकि हमारी तो मोबाइल पे बात हो जाती है। हाँ ये पता है, अपने खड़ूस बॉस के साथ गई है। क्यों, क्या हुआ? फोन दो ना, मैं बात करता हूँ। क्या है? खुश, हेलो, दो ना। अच्छा दी, डॉग से बात करो। लो। हाय भाभी, क्या हुआ? सुहानी? ओह गॉड, कुछ नहीं हुआ है, नेशनल क्राइसिस नहीं है। मुझे सब इतना जानना है कि प्रिया दिल्ली में किस होटल में रुकी है। भाभी, वो कल आ रही है। अच्छा, देन नो प्रॉब्लम, तो फिर मैं कल ही बात कर लूंगी। एक बात पूछूं, आप बताओगे मुझे कौन वहाँ जा रहा है, आई मीन कब तक वहाँ पहुँचेगा, कुछ डिटेल्स? डजंट मैटर ना सुहानी, अब कल आ ही रही है प्रिया, तो आई'ल हैंडल इट, इट्स ओके, थैंक यू। ओके बाय। या बाय। माँ को फोन करती हूँ। यार तुम मुझसे बार बार फोन क्यों छीन लेते हो? मुझे एक बात बताओ, तुम टेलीफोन एक्सचेंज में काम करती हो, पर जब भी फोन पे बात करो तो तुम ले लेती हो, बातों में लग जाती हो। अभी दी से बातों में लग गई, तुम ठीक हो या प्रेगनेंसी में ये भी नॉर्मल है? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? आई मीन लड़कियों की बातें, तुम प्लीज दखल मत दिया करो, स्टे आउट ऑफ इट। अच्छा हाँ, शांत शांत, मैं लड़ नहीं रहा हूँ तुमसे। हाँ ठीक है, औरतों की बातें ना अपने फोन से करो, मुझे फोन दे दो मेरा। लाओ लाओ फोन दो, ये लो खा लो। औरत कहीं की। मुझे माँ को बिना बताए वॉर्न करना होगा कि मैं सब जानती हूँ। नाइस प्रेजेंटेशन मैम। थैंक यू। हाँ सुहानी, कैसी रही आपकी मीटिंग? मीटिंग तो अच्छी हो गई, तेरा बार बार फोन आ रहा था, मैं मीटिंग में थी इसलिए उठा नहीं पाई। क्या हुआ, सब ठीक है ना? कुछ अर्जेंट नहीं था माँ, बस कंफर्म कर रही थी। आप कल आ रहे हो ना? कल तक आ जाऊंगी, लेकिन तू फोन क्यों कर रही थी बार बार? तू ठीक है ना? एवरीथिंग इज ऑल राइट ना? हाँ हाँ सब ठीक है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, बस आपको मिस कर रही थी ना, इसीलिए फोन पे फोन कर रही थी। वैसे आपके बॉस ठीक है ना आपके साथ? हाँ ठीक है, बल्कि मैं तो कहूँगी कि आउट स्टेशन पे आके थोड़े कम खड़ूस हो गए हैं, बट यू नो व्हाट, नेचर को तो हम नहीं बदल सकते ना। वैसे भी उनकी तो पुरानी आदत है ना। मतलब? हाँ मतलब कि हाँ, मैंने अक्सर देखा है जो थोड़े ऐसे ट्रिक से होते हैं ना, वो आउट स्टेशन जाके थोड़े चिल्ड आउट हो जाते हैं। बस वही ऐसे। अब अच्छा माँ, अगर आप कल आ रहे हो तो मैं खुश को भेजूँ आपको लेने के लिए? नहीं 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 नहीं, तू खुश को मत भेजना, मतलब ऑफिस की गाड़ी तो होगी ना मुझे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे, तो खुश को तंग करने की क्या जरूरत है, मैं खुद आ जाऊंगी। ओके खुश को मत परेशान करना, मैं आ जाऊंगी अपने आप। ठीक है,
then I'll see you tomorrow. हाँ. Take care, ma'am. Okay, bye. Bye. जी प्रिया जरा रूम में आना. ठीक है आती हूँ. डैड सो डैड मेरी ना खुश से बात हुई और उसने कहा कि प्रिया किस होटल में वो तो क्लियर नहीं हो पाया बट वो कल सुबह ही आ रही है तो यू कैन मीट हर टुमारो. ठीक है फिर कल ही मिलूंगा उनसे. दिमाग में अजीब सा ख्याल आ रहा है. सोच के देख तो प्रिया भी उसी होटल में हुई तो और अगर राम और प्रिया मिल चुके हुए तो मेरा तो बन जाएगा यार. या मैं प्रिया को एक एक मिनट की खबर दे रहा हूँ राम के बारे में और वहां अगर वो दोनों एक ही होटल में मिलके साथ साथ हुए तो राम के सामने ही मैं उसकी खबर प्रिया को दे रहा हूँ यार राम तो मेरा बैंड बजा देगा. विक्रम टेल यू व्हाट यार अगर अगर ऐसा हो बड़ा एम्बैरेसिंग होगा. मैं इनसे कल ही मिलूंगा. हाँ बट देखो तीनों से अलग अलग मिलना पड़ेगा. हाँ नहीं पर अलग अलग क्यों. राम सर के साथ पीहू और सैमी तो आ ही जाएंगे तो सर आप उन सबसे साथ में मिल सकते हो. डैडी पीहू और सैमी तो अपने हनीमून के लिए जा रहे हैं ना तो वो थोड़ी आएंगे राम के साथ. तुम लोग अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो इतना. मैं उन तीनों से आज तक कभी साथ मिला नहीं तो अगर मैं साथ में मिल लिया ऐसा हुआ तो वियर्ड होगा ना सब. अच्छा अब तुम लोग बच्चे बैठ के बात करो मैं जरा जाके देखती हूँ तुम लोग के खाने का इंतजाम कर. यम्मी डाइजेस्ट समथिंग यम्मी. श्योर 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 एंड हेल्दी. अच्छा मुझे भी कुछ ऑफिस कॉल्स करने हैं. यू गाइस व्हेन आर यू. दैट्स ऑल. भाईजा कितनी कूल है ना एकदम सॉर्टेड. जो है जैसा है बस सामने बैठो और बात करो. I was always shocked कि राम सर और प्रिया को मिलाने के लिए ना ऐसा ही कोई इंसान चाहिए. कोई जो उन्हें कहे कि guys please loosen up बात करो लड़ो झगड़ो चीखो चिल्लाओ जो करना है करो but just be together. ये अलग रहने की जिद मत करो. यही तो एक कपल है जो एक दूसरे से इतना प्यार करता है. I cannot even imagine कि वो अपनी ईगो को लेके अलग अलग रहे. Not fair. You know, I just hope कि ये दोनों अपनी जिद छोड़ के साथ आ जाएं. You think ऐसा हो सकता है? You know what, Caddy, जब दो लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं ना, ego doesn't matter. I hope so. लेकिन you think ऐसा होगा? I don't think so. I know so. Thank God कि मैंने डील के सारे पॉइंट्स पहले से रेडी करवा दिए थे वरना तुमसे तो कुछ नहीं होता. ओके ओके यू मीन टू से कि जितनी मेहनत मैंने की थी उस प्रेजेंटेशन को तैयार करने में और जिसे आपने लास्ट मिनट पे ओके कर दिया था वही ना. हेलो प्लीज अगर मैं तुम्हें पुश नहीं करता ना तो कोई भी पेपर वर्क तुम नहीं करती. इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ मी. ओके मिस्टर कपूर सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है. थैंक यू सो मच. फाइन बहुत भूख लगी है कुछ खाना मंगवाए. मैं अभी कुछ ऑर्डर कर देती. टू नाइन नाइन. हाय आई नीड टू ऑर्डर समथिंग. आप सैलेड भेज दीजिए और बॉइल्ड वेजिटेबल्स. हाँ उसमें भी आलू मत डालिए. हाँ और हाँ That'll be fine. Yeah. Soup. Yeah, yeah. Clear soup. Vegetable clear soup. हाँ. और नहीं इतना काफी होगा. हाँ एक काम कीजिए green tea with honey. Separate honey. Yes. Thank you. Ordered. जल्दी से आपका dinner आ जाए. ये सब क्या order कर रही हो यार. घास फूस नहीं खाऊंगा मैं. मेरे लिए आलू का पराठा order करो. How boring and predictable, Mr. Kapoor. बोर नहीं हो गए एक ही चीज खाते खाते. कभी तो कुछ डिफरेंट ट्राई कीजिए. Hey, what is this? Cornflakes. सेहत वेहत बाद में पहले टेस्ट. एक मिनट इसकी जरूरत नहीं है. मेरे पास इससे भी बेटर इलाज है.
मैं आपके साथ हमेशा तो होंगी नहीं, कुछ वक्त मिला है आपके साथ तो मैं चाहती हूँ कि पहले की तरह आपकी डाइट का, आपकी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखूं। जितना वक्त आपके साथ हूँ उतना ही वक्त सही, लेकिन अपने लिए कुछ तो करने दीजिए मुझे पहले की तरह। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.